गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में फर्स्ट आता है आपका सेंडर, भेजने वाला, अ पर्सन हु सेंड मैसेज। जो व्यक्ति संदेश भेजता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। देन है मैसेज, मैसेज सेंडर जो कि मैसेज सेंड भेज रहा है तो वह उस संदेश में जो भी बताता है या लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। थर्ड है चैनल, जो मैसेज को भेजने के लिए जिन सोर्स का हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टेलीफोन, लेटर, ईमेल, रिटर्न लेटर, ये आपका क्या हो गया, चैनल हो गया। देन है रिसीवर, यह वह व्यक्ति होता है जो मैसेज क्या करता है, प्राप्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। फिफ्थ है फीडबैक, फीडबैक इज़ अ रिटर्न मैसेज, जो हम मैसेज रिसीव करते हैं जब सेंडर को रिप्लाई भेजता है और उसे जब प्राप्त होता है वो मैसेज, उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका आ गया सेंडर, सेकंड मैसेज, थर्ड चैनल, फोर्थ रिसीवर और फिफ्थ फीडबैक। ये आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी कहेंगे जब रिसीवर जो रहेगा वो फीडबैक सेंटर को जब भेजता है तब हम उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अगर सामने वाला व्यक्ति फीडबैक नहीं देता तो हम जो तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो रहेगा वो अधूरा हो जाएगा। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट आपका आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पुअर रिटेंशन ड्यू टू मेमोरी प्रॉब्लम। अगर मेमोरी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है कुछ तो इसमें पुअर रिटेंशन होगा। सेकंड लैक ऑफ अटेंशन, अगर ध्यान में हमारा कुछ कमी हो जाता है, हम ठीक से ध्यान नहीं देते तब। डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इलनेस, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो क्या होगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। फोर्थ है पुअर सेंसरी परसेप्शन, अगर हम ठीक से देख नहीं पाएंगे, ठीक से हम समझ नहीं पाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा। हियरिंग प्रॉब्लम्स होंगे, अगर सुनने में प्रॉब्लम हो तो। पुअर लिसनिंग स्किल, अगर आप ठीक से एक्शन करके नहीं बता पा रहे हैं या हमारा पुअर लिसनिंग स्किल है तो उसके कारण से होगा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया उसके कारण से। जेंडर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, जेंडर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण भी होगा। देन सेकंड है इन्वायरमेंटल बैरियर, इसमें फर्स्ट है लाउड बैकग्राउंड नॉइस, अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा उसके कारण से भी। पुअर लाइटनिंग, अगर लाइट क्या रहेगा, कम दिखाई देगा, लाइटिंग कम रहेगी उसके कारण से। अनकंफर्टेबल सेटिंग, अगर जो भी सेट हम किए हैं वो अनकंफर्ट रहा तो। अनहाइजीनिक सराउंडिंग एंड बैड ऑर्डर, अगर वो एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल हो उसके कारण से। वेरी हॉट और कोल्ड रूम, अगर बहुत ज़्यादा रूम का तापमान बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा ठंडा हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो उसके कारण से। डिस्टेंस, डिस्टेंस में अगर हम दूर दूर रहें। थर्ड है साइकोलॉजिकल बैरियर, इसमें फर्स्ट है मिसपरसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं तो। डिस्ट्रस्ट एंड अनहैप्पी इमोशंस, अगर हम किसी पर ठीक से विश्वास नहीं कर पा रहे या हम अनहैप्पी हो, हमारा मूड ठीक ना हो उसके कारण से। इमोशनल डिस्टर्बेंस, अगर कुछ हमारा प्रॉब्लम्स है, डिस्टर्ब है हम किसी चीज़ को लेके उसके कारण। साइकोटिक और न्यूरोटिक इलनेस, अगर मेंटली हम इल रहें, अगर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहें उसके कारण से।
वरी एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं उसके कारण से भी हो सकता है। फियर एंजाइटी कंफ्यूज थिंकिंग, अगर हम हमारे मन में डर है, अगर बहुत चिंता है, हम कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज़ को लेके उसके कारण से। फोर्थ है सोशल बैरियर, डिफिडेंस इन सोशल नॉर्म वैल्यूज बिहेवियर, लोगों के सोशल सामाजिक बिहेवियर्स के, उनके वैल्यूज़ के कारण से भी। सोशल टैबूज, डिफरेंट सोशल स्टार्टअप। फिफ्थ है कल्चर बैरियर, एथनिक रिलीजियस कल्चर डिफरेंस, कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड बिहेवियर, अगर कल्चर में कुछ बिहेवियर रहा, उनका ट्रेडिशनल अलग रहा, और अलग अलग कल्चर के रहते हैं ना, उसके कारण से भी। सिक्स्थ है सिमेंटिक बैरियर्स, मतलब इसमें शब्दों वाक्यों की अर्थ से ये संबंधित, कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंस। जैसे लैंग्वेज बैरियर, अगर भाषाएँ के कारण से हो सकती, फॉल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अगर दूसरे भाषा में ट्रांसलेट हो तो उसके कारण से भी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस इन एक्सप्रेशन एंड परसेप्शन, डिफरेंट एक्सप्रेशन हमारा इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है ना, तो उसके कारण से भी अगर एक्सप्रेशन ठीक ना हो, परसेप्शन ठीक ना हो, तो पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फेलर टू लिसन, अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस हम पहले का सुने रहते हैं ना, पहला जो एक्सपीरियंस रहता है उसके कारण से। सेवन है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी रूल रेगुलेशन होगा उसके कारण से भी। टेक्निकल फेलर, अगर टेक्निकली कुछ हम भेज रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, फेल हो गए उसके कारण से, अगर हम ईमेल भेज रहे हैं तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो वो ईमेल क्या है नहीं भेज जा पाएगा, तो उसके कारण से कम्युनिकेशन में बाधाएं आएगी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्यू टू हेरिस्टी, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का साइज। एट पॉइंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर, अनक्लियर अगर रहा मैसेज उसके कारण से। स्टेरियोटाइपिकल अप्रोच इन अप्रोप्रिएट चैनल, अगर हम जो चैनल का उपयोग कर रहे हैं वो ठीक से नहीं हो रहा है। फिर लैक ऑफ पुअर फीडबैक, अगर फीडबैक में कमी आ रही है तो। क्लास आज हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, थैंक यू क्लास।